उत्तराखंड को देव भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर स्थित कई स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में पौराणिक ग्रंथों और गाथाओं में जिनका वर्णन विस्तृत तौर से मिलता है। आज हम एक ऐसे ही दुर्लभ स्थान के बारे में जानेंगे जिसे त्रियुगी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। तो आइए जानते हैं ऐसे दुर्लभ और अलौकिक मंदिर के बारे में। त्रियुगी नारायण जी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो सोनप्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वेदों के अनुसार त्रियुगी नारायण मंदिर को त्रेता युग में स्थापित किया गया था, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ द्वापर युग में स्थापित हुए थे। इसलिए त्रियुगी नारायण मंदिर को विश्व का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यही वो त्रियुगी नारायण मंदिर का गेट है, जिससे होकर आप मंदिर के प्रांगण में जा सकते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह स्थल है। त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर सदियों से अग्नि जल रही है। इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और देवी पार्वती ने विवाह किया था। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थान का नाम त्रियुगी रखा गया है। अग्नि जो तीन युगों से जल रही है। त्रियुगी नारायण हिमावत की राजधानी भी थी, जहां शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था, जबकि ब्रह्मा जी शिव और पार्वती के विवाह में पुरोहित बने थे। विवाह स्थल के नियत स्थान को ब्रह्मशिला कहा जाता है, जो कि मंदिर के ठीक सामने स्थित है। विवाह से पहले सभी देवी देवताओं ने यहाँ पर स्नान भी किया था, इसलिए यहाँ तीन कुंड बने हैं, जिन्हें रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हम लाइव हैं त्रियुगी नारायण मंदिर से, और हमारे सामने हैं मंदिर के मुख्य पुजारी। हमारे सामने हैं, और पुजारी जी, हम ये जानना चाहेंगे, ये त्रियुगी नारायण जो मंदिर है, इसकी क्या कथा है और ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? अच्छा अच्छा, इस स्थान का नाम है यहाँ पर त्रियुगी नारायण। यहीं पर त्रेता युग में शंकर और पार्वती का शादी इसी जगह में हुआ था। आपने सुना होगा, राजा बलिदेव ने जब 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर देवताओं में हाहाकार मच गई। तो उन्होंने भगवान विष्णु भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने माता अदिति के गोद से जन्म लिया है। तो वहाँ उन्होंने 52 रूप में यहाँ पर जन्म लिया है, और राजा बलि को पाताल लोक का राज दिया है। तो इस स्थान का नाम त्रियुगी नारायण इसलिए पड़ा था। और दूसरी बात है, त्रेता युग में यहीं पर शंकर और पार्वती का शादी इसी जगह में हुआ था। जो आपने सुना होगा या देखा होगा, हरिद्वार के पास कनकल जगह है, वहाँ पर जब राजा दक्षपति ने यज्ञ किया था, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, भगवान शंकर सती माता को नहीं बुलाया जाता। तो सती जी बिन बुलाए वहाँ पर जाते हैं, उनका वहाँ पर अपमान हो जाता है, वो अपनी आहुति उसी यज्ञ कुंड में डालते हैं, भस्म हो जाते हैं। तब फिर दोबारा जन्म ने इस स्थान पर्वतराज हिमांचल राजा के घर में लिया, और माता मैना के कोख से, तो उनकी पुत्री का नाम पार्थी प्रसाद, तो पार्थी का शादी इस जगह से, ये जगह यहाँ पर। ये सबसे पहले मंदिर के प्रांगण में चार कुंड है, पहला ब्रह्मकुंड, दूसरा रुद्रकुंड, तीसरा विष्णुकुंड और चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्मकुंड और रुद्रकुंड दो कुंड में स्नान करने का मातम है। तीसरा विष्णुकुंड है, वहाँ पर ओम नमो करके आचमन किया जाता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें वीर्य तर्पण होते हैं, जिसके माता पिता गुजरे हुए हैं, उसमें स्वर्ग में शांत पाने के जलदान दिया जाता है। पांचवा धर्मशिला है, जहाँ पर राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्थिव कन्यादान करके दिया था, उस जगह में ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो क्यों चढ़ाया जाता है? उस जमाने में राजा लोग ने, प्रजा लोग ने, देवता लोग ने वहाँ पर बहुत सारे दहेज देके पार्थिव जी को विदा किया था। तो आजकल में उस जगह पर मोती के बजाय अन्नदान चढ़ाया जाता है। अन्नदान करने के बाद ये विष्णु क्षेत्र मंदिर है, दूर से दर्शन होते हैं। विष्णु क्षेत्र इस पहाड़ी उत्तराखंड में दो ही मंदिर है, बद्रीनाथ और केदार, ये बद्रीनाथ और त्रियुगी नारायण में। तो बद्रीनाथ मंदिर में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ दूर से दर्शन होता है, विष्णु भगवान के मंदिर में दूर से दर्शन होते हैं। शिवलिंग सिंह मंदिर में जाएंगे, शिव भगवान को स्पर्श करके
जाते हैं। तो 20 की मूर्तियाँ यहाँ पर भगवान विष्णु भगवान के हैं, दाहिने तरफ में डोले में लक्ष्मी जी हैं और बाईं तरफ से सरस्वती जी हैं, पीछे से दीवार में कुबेर, क्षेत्रपाल, गुरुमच्छिन्नाथ और बद्रनारायण जी हैं। भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम जी हैं। अखंड दीपक है, दीपक के नीचे शिव पार्वती जोड़ा मूर्ति है और आगे से नाजाम की वेदी है जहाँ पर शंकर पाठ ने सप्तपति फेरा लिया था, वो त्रेतायुग से अभी तक जलती जा रही है। बताते हैं त्रेता द्वापर में देवताओं की शक्ति द्वारा अग्निकुंड जलता था, कलयुग आने पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, तो उस अग्नि को जीवित रखने के लिए उसमें समदा लकड़ी लगाना शुरू कर दिया। अग्नि वही है, देवताओं की जलाई अग्नि वही है। आप कहेंगे कि वो अग्नि जीवित कैसे रखे जाते हैं? इस गाँव में यहाँ पर 300 घर पुरोहित है, 3 दिन की ड्यूटी मेरी बनी है, 3 दिन के आपकी, 3 दिन के ऐसे ऐसे करके प्रत्येक परिवार से ऐसे इस अग्नि को जीवित रखा गया है। तो यहाँ के उस धुनी की वजह, अग्नि की वजह से यहाँ के कपाट कभी बंद नहीं होते, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट बंद होते ना, यहाँ के कपाट कभी बंद नहीं होते। भगवान विष्णु को साक्षी मान गए, यहाँ पर शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। ये अग्नि तब से पंडित जी जल रही है, ये कंटिन्यू त्रेता युग से। जैसा आप लाइव देख रहे हैं, ये अग्नि है जो त्रेता युग से लगातार जल रही है और जो भगवान के विवाह की साक्षी है। मंदिर में स्थित हवन कुंड भी निरंतर प्रज्वलित रहता है, जिसकी अग्नि में लकड़ी, घी, जौ और तिल अर्पित किया जाता है। इस कुंड की राख को लोग मस्तक पर लगाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। ओम नमः शिवाय।